तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू यामाहा FZX वर्जन 2। यहाँ पर यामाहा ने अपनी ऑल न्यू FZX को अपडेट कर दिया है, नई नई चीज़ें यहाँ पर दी है। सबसे पहले देखेंगे LED ब्लिंकर, आप देखेंगे जो कि पहले हमें एक्सेसरी में लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर यामाहा ने एज अ स्टॉक एज अ स्टैंडर्ड यहाँ पर इसको ऑफर करा है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत अभी इंडिया में है 1.37 लाख रुपीज़। बात करेंगे इसके ऑन रोड कीमत की और देखेंगे गाड़ी में क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना, एक तरीके से मिनी हिमालयन इसे कहते हैं, बहुत ही सही तरीके से टूरर और एक तरीके से ऑफ रोडिंग आप इसमें हल्की फुल्की कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रियर में देखिए ब्लॉक पैटर्न टायर मिलते हैं, अगर किसी की हाइट थोड़ी कम है वो भी इस गाड़ी को चला पाता है, जिसको थोड़ा बहुत हाईवे में चलना है वो भी इससे चल पाता है। इसमें जो आपको इंजन मिल रहा है वो आपको सेम मिलेगा जो कि आप FZS के अंदर देखते हैं, सिमिलर इंजन है, सिर्फ जो चैसी का एक पार्ट है उसको अपडेट किया है। पीछे जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं ग्रैब हैंडल, थोड़ा सा क्लासिक और एक रेट्रो लुक मिलता है वो चीज़ है। पीछे आप देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर ऐसे सिस्टम में मिलता है। इसमें ना मैं ब्लिंकर वाला सिस्टम देख रहा हूँ जिसमें हजार्ड का ऑप्शन आ जाए वो नहीं है, लेकिन गाड़ी के रेयर की प्रोफाइल आप देखिए अच्छी लग रही है। कुछ यहाँ पर आपको टायर हगर देखने को मिलेगा और ये आप इसका टायर देख रहे हैं, इसकी प्रोफाइल देखते हैं कितनी दी गई है। और एक और अच्छी चीज़, पीछे भी आपको उसमें ABS का सिस्टम आ गया है, जो कि पहले सिंगल चैनल ABS था, अब आपको डुअल चैनल आ गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है, जिससे गाड़ी अगर आप थोड़ा ख़राब रास्तों में चलाएंगे तो गाड़ी जल्दी स्लिप नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन करेंगे और गाड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। होने को गाड़ी में उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से होंडा अपनी गाड़ियों में देती है, यहाँ पर यामाहा ने भी थोड़ा बहुत तो सोचा है। ये आप देख रहे हैं ना ABS की रिंग, वो अच्छी चीज़ है। उसी तरह साइज़ देखेंगे 140 सेक्शन का टायर है जो कि 60 सेक्शन रेडियल 17 है और ब्लॉक पैटर्न टायर है, तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग ये कर पाएगा और अच्छी खासी आपको यहाँ पर एक लुक भी दे पा रहा है। साथ ही गाड़ी में जो सीटिंग मिल रही है ना, दो लोग बड़ी कंफर्टेबली इसमें बैठते हैं, तो वो इसको प्लस पॉइंट है, बहुत कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। अब जो लोग थोड़ा स्पोर्टी गाड़ी चाहते हैं उनके पास MT15 का ऑप्शन स्टार्टिंग से है, लेकिन उसमें बस एक कमी लोगों को फील होती है कि सीटिंग थोड़ी हार्ड है, थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका पूरा सॉल्यूशन इस गाड़ी के पास है। अब इसका जो वजन है 139 kg का है और बैठना चढ़ना होता है ना बड़ा सही है, यहाँ पर एक आदमी और बैठ सकता है तो उसके लिए भी स्पेस है। सीट्स आपको कंफर्टेबल दी गई है, आगे की साइड से थोड़ी पतली है लेकिन पीछे अच्छा सपोर्ट बैक सपोर्ट आपको देती है, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जिससे अगर आप ज़्यादा इसमें ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट होने से भी बैक पेन हो जाता है। ये नॉर्मल बनाई गई है। अब देखिए मैं अगर अपने साथ किसी पिलियन को बुलाता हूँ यहाँ पर और उनकी हाइट भी अगर मेरे आसपास ही है तो किस हिसाब से स्पेस बचेगा। आगे मैंने बताया कि थोड़ा नैरो सीट है, मैं थोड़ा पीछे को बैठता हूँ और यहाँ पर ना फुट पैक दिए गए जो कि थोड़ा नॉर्मल है और हाइट इस तरीके से बनती है। मैं अगर अपना पैर भी ऊपर रखूँ तो इस हिसाब से स्टैंड को ऊपर कर लेते हैं। और भैया ये बनता है फिर इसका राइडर ट्रायंगल कह लीजिए या फिर जो कंफर्ट के लिए आप देखेंगे तो ठीक है, मैनेवर है, सिटी में आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन अपडेट हुई है, अच्छी लग रही है। इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये रंबल है, जो साउंड है वो आप फील करेंगे। अभी शोरूम के अंदर हो तो उतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया साउंड है इसकी और 150 cc सेगमेंट में ना सही साउंड बनाई गई है। मैं आपको दिखाता हूँ और क्या चीज़ दी गई है, थोड़ा सा अगर आप इसको थ्रॉटल करेंगे तो, और यहाँ पर इसका किल स्विच भी आपको मिल जाता है। बाकी और क्या चीज़ें दी गई है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। FZX की बढ़िया सी ब्रांडिंग है। कलर ऑप्शन भी आप देखेंगे ना, 3 कलर ऑप्शन इसके लॉन्च करे, तीनों हमारे पास है। यहाँ पर इसका मैट कॉपर है, ये इसका आप देख रहे हैं मैट ब्लैक कलर ऑप्शन, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ग्रेफाइट फिनिश है और प्यारा सा लग रहा है। इसमें ना FZX की लोगो भी थोड़ी अलग हो गई है और उसी के साथ ये इसका पुराना मॉडल एक तरीके से है। टू व्हीलर इंडिकेटर इसमें पहले वाले आते हैं और फ्रंट की जो रिंग लाइट आती है ऐसी दिखती है। ये इसका न्यू डीप मैट ब्लू कलर ऑप्शन है, ये भी अच्छा दिख रहा है। बाकी मेटल में देखेंगे, ये मेटल दिया गया, ये पूरा मेटल है। 41 mm की आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। टायर की बात करेंगे तो थोड़े अलग अलग टायर में देख रहा हूँ, जो कि रिम है थोड़े अलग अलग है। देखे तो MRF का टायर यूज़ किया गया है। फ्रंट का टायर देखेंगे तो 180 सेक्शन रेडियल 17 का है, पीछे आपने देखा 140 है, आगे 100 का दिया गया है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन रिम आप देख रहे हैं थोड़े गोल्डन फिनिश में है, बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ पर देखिए पहले थोड़ी सी एक हाईलाइट आती थी, अभी देखूँ तो वही हाईलाइट बरकरार है, कोई मिसिंग पॉइंट नहीं है। आगे अगर आप डिस्क देखेंगे, यहाँ पर आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट में, पीछे आप देखेंगे 220 mm की डिस्क मिलती है, जो कि आप ये देख रहे हैं। और उसी के साथ ना जो स्विंग आर्म है, ये कोई कास्ट एल्युमिनियम और ऐसी चीज़ें नहीं है, कुछ भी शोबाजी ऐसी नहीं है जिससे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े। बिल्कुल सिंपल बॉक्स फ्रेम दिया गया स्टील के साथ, जिससे इसकी कॉस्ट कम हो और आप ज़्यादा कम पैसों में भी इसको ले पाए। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसी कुछ ऐसी मिलती है जो कि नॉर्मल क्रेडल टाइप है, सिंगल आपको मिलेगा। उसी के साथ ऑक्सीजन सेंसर है, कैटलेटिक कन्वर्टर दिया गया, BS6 गाड़ी है जो कि फेस्टो नॉर्म्स के हिसाब से भी आई है। ये देख रहे हैं आप इसका ब्लिंकर, तो इसका ब्लिंकर आप
यहाँ से करेंगे भैया, ऐसा दिखता है। काफ़ी ब्राइट दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो पहले आपको पुराने हैलोजन वाला सिस्टम मिलता था उससे तो बहुत अच्छा अपग्रेड है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से लगाना पड़ रहा है, कंपनी से ही आ रहा है, तो इसकी फिट और फिनिश भी अच्छी है। पहले लोग एक्सेसरी में लगवाते थे लेकिन उसकी क्वालिटी कभी अच्छी रहती थी कभी कम रहती थी, लेकिन यहाँ पर हर किसी को मिलेगा। ब्राइटनेस भी अच्छी है, पीछे टेल लैंप आपको LED के साथ ही आता है। इस साइड देखेंगे तो आपको टायर हगर मिल रहा है, अच्छा खासा फाइबर का यूज़ किया गया, मोनो सस्पेंशन रहते हैं। ये देख रहा हूँ कवरिंग की गई है प्लास्टिक के साथ, और साथ ही देखेंगे यहाँ पर साड़ी गार्ड आपको दिया गया, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का है। अभी मैंने सेंटर स्टैंड में लगाया तो थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना ही है जितना FZS में आपको देखने को मिलता है। गाड़ी में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। आप देखिए, अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई और इस गाड़ी की ऊंचाई की, तो इस गाड़ी की लंबाई जो है वो MT15 के बराबर है, 2020 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है, जिससे इस गाड़ी का साइज़ बिल्कुल सही लगेगा आपको। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, 6 फीट है, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी सही बनाई गई है। उसी के साथ गाड़ी की जो चौड़ाई है 785 mm, जो कि इसके हैंडल बार की चौड़ाई आती है, जो कि सही बनाई गई है। हाइट देखेंगे तो 1115 mm इसकी हाइट है। सीट हाइट सबसे मेन चीज़ होती है, 810 mm की इसकी सीट हाइट है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तो ये गाड़ी आपके लिए कंफर्टेबल फील होगी। और इस गाड़ी का वज़न है 139 kg का, तो ये भी ईजी बनाता है इसको शहरों में चलाने में। ट्रैफिक में आप चलाएंगे तो कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें किस प्रकार का इंजन आपको ऑफर किया गया है। ये तो BS6 इंजन है, सब कुछ क्लियर है, 150 cc सेगमेंट में आता है, ये भी क्लियर है। लेकिन अगर आप इसके CC की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 149 cc का एक सिंगल सिलेंडर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 valve सेटअप मिलता है, 4 valve नहीं मिलेंगे MT15 की तरह। उसी के साथ जो इसकी पावर है, पावर अगर आप देखेंगे तो पावर ठीक है, 12.4 horsepower ये बना देता है 7,250 rpm पे, और 13 Nm का टॉर्क है जो कि आपको देने वाला है 5,500 rpm पे, यानी कि 12 horsepower का इंजन है और करीब 13 Nm का टॉर्क ये बना के देता है। माइलेज की बात करें तो 45 से लेके 50 का माइलेज ये इंजन आपको देता है। अब देखिए ना कितने ज़्यादा सेंसर यहाँ पर डाले गए हैं, ये देख रहे हैं आप इसका नॉक सेंसर, कुछ आप टेम्परेचर सेंसर देखेंगे, थ्रॉटल बॉडी आप देख रहे हैं, इसका मैनिफोल्ड देख रहे हैं, साथ ही इसका सिलेंडर हेड देखेंगे, ऊपर आप PCV वेल्व किसी भी इंजन की तरह देखेंगे, स्टार्टर मोटर आप देख रहे हैं, 5 स्पीड का आपको यहाँ पर गेयरबॉक्स मिलता है, ऑयल फिलिंग के लिए सिस्टम यहाँ है। कितना इंजन ऑयल लगेगा मेंशन किया गया नीचे, 1000 ml यहाँ पर इंजन ऑयल आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ये देख रहे, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग थीम में बनाया गया है, जो कि गल्वनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ये आप देखेंगे, थोड़ा सा रबर यहाँ यूज़ किया गया, ये कुछ इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और बेसिक चीज़ें सब कुछ है इसमें, डुअल चैनल ABS आ गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, तो ये गाड़ी की डिमांड थोड़ी अच्छी होगी अब। और ऑन रोड की बात भी करें तो 1,70,000 से लेकर 1,75,000 के आसपास ही गाड़ी आपको ऑन रोड होगी। एक शोरूम है इसकी 1.37 lakh rupees। एक बार और देखते हैं इसके फीचर्स में क्या क्या ऑफर किया गया है। ये देखेंगे LCD डिस्प्ले यहाँ पर आपको दी गई है, न्यूट्रल के ये शो करता है, उसी के साथ अगर आप कौन से गियर में हैं ये शो नहीं करता है। टर्न इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पर ब्लिंकर दिया गया है, साथ ही ना एक यहाँ पर आपको टॉगल दिया गया है, इससे आप क्या करेंगे, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3, मतलब टोटल यहाँ पर 3 ट्रिपें दी गई है। इसका ओडोमीटर है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ देखता हूँ क्या होता है, ऑफ हो गया। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करेंगे तो थोड़ा बहुत आप ऑफ रोडिंग में अगर आप चला रहे हैं तब आप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग ले पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पर सही है जहाँ पर आपको गाड़ी स्लिप होने की डर है और वो नहीं आप चाहते। फ्यूल लेवल आप यहाँ पर देखेंगे, स्पीडोमीटर का सिस्टम यहाँ है, टैकोमीटर सारा सिस्टम यहाँ दिया गया है। इंजन और गेयरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं है, हल्का वेट है इसके अंदर, कोई स्लिप क्लच नहीं है इसमें, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, लेकिन फिर भी गाड़ी बजट के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर को ऑफ करेंगे, हॉर्न ये दिया गया, हॉर्न सुनेंगे तो सिंपल हॉर्न है ये इसके, आपको पास लाइट मिलती बेसिक सी। फ्यूल टैंक यहाँ से ओपन होगी, 10 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। थोड़ा सा यहाँ पर फिट ऑफ फिनिश में और ध्यान दे सकती थी यामाहा, क्योंकि ये जो कैप है अगर ये थोड़ा सा इसके साथ ही फिक्स रहता और बेटर हो सकता था, लेकिन इसको भी आपको किस तरीके से अलाइन करना है देख रहे हैं आप, यामाहा आपकी तरफ होना चाहिए और ये ईजिली अंदर चले जाएगा और ऑटोमेटिकली आप की को बाहर निकाल लीजिए। ये चीज़ दी गई है, कुछ यहाँ पर आपको LN स्क्रूज भी ऑफर किए गए, क्लैडिंग का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, अगर आप इस गाड़ी को सोच रहे हैं उस बंदे के लिए, उनके लिए लेना चाहते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 50 साल 40 साल, मतलब थोड़ा सा यंग वाला जो सेगमेंट है वो उनको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से आप इसमें एक तरीके से अपना आपको फील करेंगे। हाइट आपकी 5.5 से लेकर 6 फीट के आसपास है तो बिल्कुल सही है। अब जिस तरीके से रॉयल इनफील्ड की यहाँ पर स्क्रैम 411 आती है, उसका बजट इससे भी लगभग 50-60 हज़ारों के ऊपर है, बड़ा इंजन आता है, लेकिन जिसका बजट थोड़ा कम है, थोड़ी हल्की गाड़ी उसे चाहिए और फीचर अच्छे मिल रहे हो तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। सस्पेंशन ट्रैवल अभी भी उतना ही बनाया गया है, 41 mm की यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे का मोनोशॉक आपको नॉर्मल मिलने वाला है। तो यही है फिर आपके सामने ऑल न्यू यामाहा FZX, एक तरीके से V2 इसको यामाहा ने नहीं कहा, ये इसका वर्जन 2 ही है,
कहा नहीं है, लेकिन वो क्योंकि नए नए अपडेट के साथ आया तो यामाहा जनरली इसको V2 कह सकती थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।